सीताराम जी संसद बन रहे हैं, ये हर कोई जो भी थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, वो सिर्फ 4 तारीख का इंतजार है कि बाड़मेर के लोगों ने अपनायत को वोट दिया है और एक सरल स्वभाव के उम्मीदवार जी को बाड़मेर ने संसद के रूप में चुन लिया है। तो सिर्फ है, और मुझे विश्वास है उम्मीदवार जी संसद बनकर ये थार की अपनायत जो बन रहे हैं, ये थार की अपनायत को आगे बढ़ाएंगे। जो पहल जिला प्रशासन ने करी शांति और सद्भावना की, उसी संदर्भ में हमारे उम्मीदवार मेदाराम जी और हमारे वरिष्ठ नेता हिमाराम जी के साथ हम लोग जिला प्रशासन से हम लोगों ने चर्चा करी। हम लोगों का भी ये दायित्व बनता है और सभी का यह दायित्व बनता है कि बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर सद्भावना और शांति, उसी कड़ी में ये आज की बैठक है। सर आपको जान सकती वो बचपन के अंदर उसका बचपना था और इस तरह का माहौल के अंदर एक जहर गुलावा है वो हम निशाने पर जो आपके निशाने पर तो जो जिसको निशाने पर लगाना था वो उसकी रणनीति थी। एक सर निर्दलीय पर सब लोगों का दायित्व बनता है कि इस तरह की चीज की पुनरावृत्ति नहीं हुई, तो उस बच्चे की गलती नहीं है, जिस किसी कारण ये जहर समाज में गुलाए वो कारण है, उस जहर को हम लोग कैसे, उसी क्रम के अंदर आज कांग्रेस के यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष, दोनों बाड़मेर के ब्लॉक अध्यक्ष भी हम लोगों के साथ थे, पूर्व प्रधान मूलाराम जी मेघवाल भी थे, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि समाज में कैसे वापस ये जहल जो पिछले चुनाव के दरमियान खोला गया है उसको कैसे समाप्त करें। क्या अपील करना चाहेंगे सर? बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र जो थार के रूप में सदियों से जिसकी पहचान थी वो अपनायत के कारण, पीढ़ियों से हम लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई 100 साल 150 200 साल सभी जाति हम लोग साथ, तो हमारे पूर्वजों ने यही सिखाया है कि हमारे परिवार से ज़्यादा जरूरी हम लोगों के लिए हमारा पड़ोसी, गांव का गरीब हम लोगों के लिए सबसे पहले प्राथमिकता रहती थी। हम हल्के ऊपर हाथ बाद में रखते थे, गाँव का गरीब उसकी जाति धर्म उसकी पृष्ठभूमि हम लोग नहीं देखते थे, तो वही अपनायत हम लोग आगे भविष्य में कैसे करें। और मुझे विश्वास है उम्मीदवार जी संसद बनकर ये थार की अपनायत जो बन रहे हैं, ये थार की अपनायत को आगे बढ़ाएं। सर कांग्रेस की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? नहीं, उम्मीदवार जी संसद बन रहे हैं, ये हर कोई जो भी थोड़ी बहुत भी समझ रखता है, वो सिर्फ 4 तारीख का इंतजार है कि बाड़मेर के लोगों ने अपनायत को वोट दिया है और एक सरल स्वभाव के उम्मीदवार जी को बाड़मेर ने संसद के रूप में चुन लिया है, अब तो सिर्फ है काउंटिंग की बात है। सर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या क्या आग्रह, ने कितनी सीटें ला ली? देखो गृह मंत्री जी प्रधानमंत्री जी जो व्यक्ति भी दे रहे हैं ये उनके पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है और हमारे देश का दुर्भाग्य जो भी बातें कर रहे हैं इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के लिए वो पद भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। राजस्थान में कितनी सीटें आई ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, पर जो जनमानस हम लोगों को नजर आ रहा है कि अच्छी संख्या में कांग्रेस पार्टी को यहाँ से संसद के रूप में प्रतिनिधित्व का अवसर राजस्थान की जनता दे चुकी है। सर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने आरोप लगाया था कि कोई पोलिंग पार्टी की गाड़ी जा रही थी उसे हाईजैक की थी इन पार्टियों ने, वहाँ बाईतू में फिर पुलिस के बाद आरोप प्रत्यारोप जो लगाता है उसको अधिकार है, उसकी जांच की व्यवस्था यहाँ के प्रशासन को और पुलिस को है, जिसको जो आरोप लगाना है वो अपनी लिखित के अंदर शिकायत पुलिस को और प्रशासन को करते हैं, निष्पक्ष तौर के ऊपर जाँच कर कर जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक निर्दलीय प्रत्याशी सर कांग्रेस प्रत्याशी से ज्यादा निशाने पर, क्या कारण था? नहीं ये तो पूरा कांग्रेस परिवार मजबूती से चुनाव लड़ा। नहीं सर कांग्रेस प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि पूरा माहौल जो खराब किया है वो निर्दलीय प्रत्याशी की टीम आई थी, कोई बीकानेर से उन्होंने किया है। तो टीम कौन सी आई क्या आई वो सबको पता है, हम लोगों से ज्यादा बाड़मेर में आप लोग जो पत्रकार हो आप लोग जागरूक लोग आपको सबको पता है, जब भी घटनाक्रम हुए हैं जो गिरफ्तारियां हुई है वो बाड़मेर के थे बाड़मेर के नहीं थे उसे पता है, अपने को इन चुनाव से बड़ा हमारी प्राथमिकता अपनी अपनायत रहनी चाहिए। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह तो उनको मुबारकबाद कि कम से कम उनकी नज़रें इनायत हुई मेरे ऊपर और जो भी मेरे बारे में उनकी समझ थी वो स्वाजदी की रही, उसके लिए उनको धन्यवाद।
एक सर पूर्व मंत्री को बर्खास्त किया, ये क्या था मामला? पूर्व मंत्री ये अमीन खान साहब को बर्खास्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने किया। जो आदेश जो आपने देखा वही हम लोगों ने देखा, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है उनको।